फैज खान नाम के इस शख्स को देखकर हर कोई हैरान होता है, और हैरानी उस वक्त और बढ़ जाती है जब वे गीता के श्लोकों का उच्चारण करने के साथ कुरान की आयतें सुनने लगते हैं। मौका मिलने पर वो कथा भी करते हैं। पहचान पूछने पर कहते हैं, मेरा नाम मोहम्मद फैज खान है और मैं एक गो सेवक हूँ। इंसानियत मेरा मजहब है। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के मोहम्मद फैज खान की, जो 24 जून 2017 से पदयात्रा पर हैं। उनका मकसद है गौ सद्भावना का संदेश देना। सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारी ये मांग है कि गाय को लेकर एक केंद्रीय कानून बनाया जाए। गाय का विषय जो है वो राज्य के प्रति छोड़ दिया गया है, तो राज्य अपना मनमानी अपने वोट बैंक के हिसाब से उस पर कानून बनाते हैं, लेकिन हम तो ये कहते हैं गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और एक केंद्रीय कानून बनाकर गो हत्या को अपराध की श्रेणी में पूरे देश में लाया जाए। लेह से शुरू हुई इस पदयात्रा का पहला पड़ाव कन्याकुमारी में खत्म हुआ। इसके बाद कन्याकुमारी से शुरू हुई पदयात्रा 11 दिसंबर को पंजाब में दाखिल हुई और इसका समापन 1 जनवरी को जम्मू कश्मीर के वैष्णो देवी में होगा। अम्बाला से न्यूज़ के लिए कृष्णा बाली की रिपोर्ट।